भाई भाई ये क्या दिख गया रोड पे, लैम्बोर्गिनी उरस भाई, बादशाह आया हुआ है भाई लैम्बोर्गिनी के अंदर भाई, बादशाह बैठो भाई वो देखो, अरे बाप रे बाप, अरे भाई क्या कट मारा है वो देखो, अरे बाप वो देखो भाई, लड़की पीछे बैठी हुई है भाई, खिलाड़ी है लड़का वो देखो भाई, पूरा खिलाड़ी है, अरे बाप रे बाप, बढ़िया 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 मैं कहा जाके भूसा ले आए आपसे भाई भाई ये क्या दिख गया रोड पे, लैम्बोर्गिनी उरस भाई, लैम्बोर्गिनी हो गए, हो गया बुलेट वर्सेस बुलेट भाई, वो देखो बुलेट कितना भगा रहा है लड़की को बिठा के, वो देखो भाई चेक करो भाई, भाई बहुत खींच रहा है यार वो देखो भाई, लड़की ने हेलमेट भी नहीं वेयर करा हुआ, अरे भाई वो देखो भाई, देखो मेरी बुलेट 80 पे चल रही है, ये चेक करो भाई, बुलेट वर्सेस बुलेट हो गया है भाई, बहुत सही खींच रहा है भाई उसकी, वो क्लासिक है वो देखो भाई कैसे ले गया भाई वो देखो, अरे बाप, अरे भाई क्या कट मारा है वो देखो, अरे बाप वो देखो भाई, लड़की पीछे बैठी हुई है भाई, खिलाड़ी है लड़का वो देखो भाई, पूरा खिलाड़ी है, अरे बाप रे बाप, बढ़िया 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 बाप रे बाप भाई, वो निकाल के ले गया वो देखो, लड़का पूरा खिलाड़ी है यार भाई, ये चेक करो लड़का पूरा खिलाड़ी है भाई, भाई बहुत खींच रहा बुलेट को भाई, लड़की खिलाते रह चले जाए, चलो भाई हम निकल गए इनसे आगे, लो भाई हमने बुलेट आगे निकाल दी इनसे, भाई देखो हमने बुलेट पीछे कर दी, वो लड़की डबलिंग में है भाई, इसका पिकअप ज़्यादा है यार बुलेट का मुझे लग रहा है, यहाँ तो अदरों निकलेगा, अरे भाई खींच दी भाई बुलेट वो, भाई इसका पिकअप ज़्यादा है, क्लासिक है क्लासिक है क्लासिक है ना, इसलिए भाई ये देखो व्हाइट कलर की रेंज रोवर क्लासिक है भाई, इसलिए इसका ना पिकअप थोड़ा ज़्यादा है भाई, मुझे कहता आ जा भाई बुलेट पर, वो देखो निकल गया, अरे भाई अरे 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 अब कहाँ जाएगा भाई, भीड़ ही बहुत आगे, तो भाई स्किल्स बहुत बढ़िया आपके, बहुत बढ़िया स्किल्स है, मजा आ गया भाई खींच के ले गया हमसे भाई, ये मैं बता देता हूँ क्लासिक बुलेट है ना उसमें पावर है, आज देखा मैंने बुलेट के अंदर बहुत पावर है, क्लासिक बुलेट में बहुत पावर है, चेक करो भाई, मुझे डर है कि उनकी जो चुन्नी है ना वो इसकी चैन में ना आ जाए, और कोई सीन नहीं है भाई, चुन्नी को पकड़ लो ये ना चैन में ना आ जाए कहीं चुन्नी, ये दिक्कत ना हो जाए चैन में ना जाए, और कोई दिक्कत नहीं है भाई, बुलेट बहुत बढ़िया चलाते हो, मजा आ गया, चुप कर बे कुत्ते, यार बुलेट में भाई ने रेस लगाई, बड़ा मजा आया, हम भी इधर खींच लेते हैं लेफ्ट साइड को भाई, रोड पे निकलो ना कुछ मसाला मिल ही जाता है, ये लगा लो, और भाई आज वैसाखी है तो इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, और आज यार हम गुरुद्वारे भी जाएंगे बंगला साहिब गुरुद्वारे, और बाकी यार आज मूवी भी हमने देखनी है RRR, जो मैं पिछली बार मूवी देख के आया था वहाँ के भी मैं थोड़े बहुत शॉट लगा दूंगा यहाँ पे, आप देख लेना, हम गए थे RRR देखने, RRR देखने गए थे मूवी, वो भी मैं शॉट यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लेना एक बार ही जाके, हरामी हो भाई, मेरे ख्याल से एम्बुलेंस फंसी हुई है आगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, कैसा लगा भाई बुलेट वर्सेस बुलेट, वो डबलिंग में थे क्लासिक में थे फिर भी उनकी भाग रही थी ज़्यादा, इससे ज़्यादा मतलब पावर और पिकअप उसमें ज़्यादा है क्लासिक में, थोड़ा सा ये फ़र्क है, बाकी इलेक्ट्रा से बढ़िया मैं क्लासिक को बोलूँगा, स्टैंडर्ड के बाद जो नाम आता ना वो क्लासिक का आता है, और क्लासिक लगती भी सुंदर है, सो गाइस कैसे लगी वीडियो बुलेट वर्सेस बुलेट भाई नीचे कमेंट कर देना, 2 hours later और भाई आज थोड़ा लेट हो गए हैं, 7:15 व्लॉग कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि काफ़ी भाई कह रहे थे कि रात को व्लॉग नाइट व्लॉग भी करा करो भाई, फ़ोन आने लग जाता है जब भी मैं निकलूँ ना, और भाई बाइक बिल्कुल ओके हो गई है, ये देखो लात लगा रहे हैं, गुड यार गुड, ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अंधेरा रहेगा, नीचे उतर के फिर करेंगे आपसे बात, और यार ब्रेक इतनी बढ़िया हो गई है ना दोनों ब्रेक्स, पीछे वाली भी और आगे वाली भी, थोड़ी सी ना उन्होंने एडजस्टमेंट में ना आगे कर दिए ब्रेक, और मुझे ज़्यादा टाइट लग रही है, मैं एक बार कोशिश करूँगा इसको ब्रेक को दोबारा थोड़ा पीछे कर दूँ, सी क्लास आ रही है C200, ये बहुत चली थी गाड़ी, इसकी एवरेज बहुत बढ़िया भाई, आराम से ना 17-18 की एवरेज देती है वाली सी क्लास 200 है जो 18-19 की एवरेज आराम से निकाल देती है, हाईवे पे 20 भी दे देती है, ढंग से चलाओगे तो 80-90 चलाओगे तो ये मर्सिडीज, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास है वो अभी तक बोलता है, कहता भाई जैसा इंजन इसका है ना, वो बोलते हैं कि CLA का भी सेम है, 200 जितने भी CC गाड़ियाँ आती हैं, मिरर बंद ही कर देते हैं, अब दिख रहा है मीटर भाई,
भाई नीचे कमेंट कर रहे थे भाई लोग अपने जो मीटर आपका बंद हो गया, तो भाई वो भी ओके करा लिए, कुछ नहीं सिर्फ अपडेटिंग का इशू था, अपडेट करवा लिया हमने बाइक। और भाई वो सबको मैं भी बोल देता हूँ भाई करवा लिया करो टाइम टू टाइम, मैंने अपडेट भी करवा लिया बाइक। और इसकी जो पीछे वाली ब्रेक है उसका भी थोड़ा सा इशू आ रहा था, जहाँ पे ट्रैक्शन की लाइट आ रही थी आपने देखी होगी इस जगह, अब नहीं आ रही बिल्कुल भी लाइट, आपने दो वीडियो में देखी होगी ट्रैक्शन की लाइट जल रही होगी बट अब नहीं चल रही। और यार चैन की एडजस्टमेंट भी करवा ली है, किसी ने बोला था कि भैया आपका चैन सेट जाने वाला है बट उसकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं थी, अब उसका भाई चैन सेट बिल्कुल ओके है और एडजस्टमेंट करवा ली है। थोड़ी बहुत इश्यूज थे, मुझे लग रहा था कि मेरे चैन सेट में प्रॉब्लम है बट उन्हें एडजस्टमेंट कर दी है। एडजस्टमेंट के भाई उन्होंने मुझसे 700 रुपये लिए हैं, मतलब 675 700 रुपये लिए इन्होंने चार्ज करे हैं, पर एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया हो गई है। और भाई एक बार इधर चल लेते हैं इनके पास क्रूजर प्लैनेट पे और देख लेते हैं भाई इधर कोई हमारे साथ का मामला खड़ा हुआ है तो, खड़ा हुआ है भाई किधर कुछ। चलो भाई आज आ गए हम क्रूजर प्लैनेट, उतरो महाराज। तो भाई वो चल रहे हैं अंदर, और सागर भैया क्या हाल है अपने? बहुत बढ़िया जी, और भैया क्या हाल है? ठीक हो? मैं कहा जाके भूसा ले आए आपसे, नई वाली आते प्लेटें गिरने लग गई हैं। वो कह रही लेके जाओ भाई चली कितनी हुई है ये?